मौसम बदलेगा और खूब सारी हरी हरी सब्जियाँ आएंगी बाजार में, खाने का भी मन करेगा। तो चलिए आज बनाते हैं एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता, वो भी बिना तले, बहुत कम घी में बनाएंगे, मतलब तेल में, और बहुत जल्दी बन भी जाएगा और सबको पसंद भी बहुत आएगा और सेहतमंद तो इतना कि देखते ही मन करे खा लें, एकदम कुरकुरा क्रिस्पी नाश्ता। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा, वेलकम टू माई चैनल ईजी एंड टेस्टी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आधा कटोरी के लगभग पोहा लिया है, इसको हम अच्छे से धोकर भिगोने के लिए रख देंगे और साथ में इतनी देर मैंने 3-4 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च ली है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच के लगभग साबुत धनिया के बीज डाल देंगे, 1 चम्मच सौंफ डाल देंगे, वैसे आप चाहें तो 1 चम्मच जीरा भी डाल सकते हैं, आपकी पूरी श्रद्धा है। और इसके नाश्ते को बनाने के लिए ना मैंने मेथी ली है, मेथी को मैंने अच्छे से 150 ग्राम के लगभग मेथी दी, अभी बहुत महंगी है तो, पर नाश्ता तो बनाना बनता है, तो 150 ग्राम मेथी ली, उसके अच्छे से पत्ते निकाले, कट करके धोकर और अच्छा सा थोड़ा पानी रिलीज करा लिया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 प्याज और जो हमने मसाला पीस कर रखा है ना उसको डाल देंगे, 1/4 टीस्पून इसके अंदर हींग डाल देंगे, 1 चम्मच इसके अंदर हम नमक डाल देंगे, इससे बहुत टेस्टी हमारा नाश्ता बन के तैयार होगा। 1 चम्मच अजवाइन डाल देंगे और अगर आपके पास सफ़ेद तिल हो तो ज़रूर डालिए, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है सफ़ेद तिल से, बहुत अच्छा हमारा नाश्ता बनके तैयार होगा और रेसिपी आपको पसंद भी आएगी। 1 चम्मच मैंने नींबू का रस डाला है और 1 से 2 चम्मच दही डाल देंगे और 1 या 2 चम्मच ही रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, आपकी मर्जी है, जितना कम ऑयल आप खाना चाहते हो ना तो 1 चम्मच डाल लीजिए वरना 2 चम्मच, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस अच्छे कुरकुरे और क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक के लिए रेस्ट करने देंगे ताकि मेथी पानी रिलीज कर दे। अब नींबू का रस और दही मिलाने का फ़ायदा क्या होगा, मेथी का कड़वापन काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। और इतनी देर मैंने पोहा जो है उसने अच्छे से भीग गया था, वो 5 ही मिनट लगते हैं पोहे को भीगने में भी, तो अब हम इसके अंदर पोहा डाल देंगे। अब डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया, वैसे हरा धनिया तो पूरी तरह ऑप्शनल है क्योंकि जो मेथी का नाश्ता है इसमें धनिया नज़र ही कहाँ आने वाला है। अब डालेंगे खूब सारा बेसन, खूब सारा नहीं डालना, केवल 1/2 कटोरी बेसन डालेंगे और हो सकता है 1/2 से 3/4 कटोरी यानी 1/4 कटोरी आपको बेसन डालना पड़े, जितने की इसका एक सॉफ्ट सा डो बन जाए, हमें इसका पराठा नहीं बनाना है, बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाना है, ये आपको देखने से पता लग रहा होगा। बस इस तरह से जब सॉफ्ट डो तैयार हो जाएगा तो अब हम इस हाथों को अच्छे से पहले साफ कर लेंगे, उसके बाद हल्का सा चिकना कर लेंगे और चिकना करने के बाद हम इसके छोटे छोटे जो है टिक्की टाइप या कोई भी कटलेट कहिए या कबाब कहिए, जैसे मर्जी आपको जो आपका मन हो ना वो कह लीजिए, इस तरह से बस नींबू के आकार के थोड़े से बड़े बड़े गोले लेंगे और गोल घुमा के और हाथ के बीच में दबाएंगे, 1-1 मिनट से भी कम में ये फटाफट हमारा नाश्ता तैयार हो जाने वाला है। सुबह की जल्दबाजी में ये नाश्ता अगर आप सबको खिलाते हैं ना तो एक तो चाय उनकी मज़ेदार हो जाने वाली है नाश्ता सारा दिन के लिए, दूसरा बेसन डाला है बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाए और पोहा डाला है सबको पोहा पसंद भी होता है, और साथ में हमने इसके अंदर डाली है खूब सारी मेथी जो कि सबकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। वैसे मैंने सुना है, मुझे सब बताते हैं मेरी मम्मी वगैरह घर में, कि अगर हम मेथी को डेली बेसिस पे खाएं तो हमारे को शुगर की प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ना ही जोड़ों में दर्द होगा, तो सर्दी सर्दी कोशिश करनी चाहिए कि खूब सारी मेथी खाई जाए। अब इसीलिए हम क्या करेंगे, एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है, बस 2-3 टेबलस्पून ऑयल के अंदर ही हम इन्हें अच्छे से फ्राई करके तैयार कर लेंगे, एक एक करके हम इनको अंदर टिकाते जाएंगे। इस नाश्ते को हमें हाई फ्लेम पे नहीं सीखना, मीडियम लो फ्लेम पर, बस आराम से इसको आराम से सीखने दीजिए, 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा और ये एक बैच हमारा सीखकर तैयार हो जाएगा। जितना मैंने सामान लिया है ना उसके अंदर टोटल 4 और 3 7 7 और 7 14 जो है हमारे पीस बन के तैयार हुए, यानी सिर्फ 1/2 कप बेसन, 1/2 कप पोहा और 1 कप मेथी ताजी हरी कटी हुई और बहुत कम ऑयल, पूरे घर का नाश्ता तैयार है और मेरी गारंटी है कि सबको बहुत पसंद आने वाला है, मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद आया है, उम्मीद है आप सबको भी रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आप सबको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ज़रूर ज़रूर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं रोज़ रोज़ जो भी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाता रहे। देखिए कितना अच्छा और कुरकुरा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है, कोई शायद ही ऐसा होगा जिसको कि ये नाश्ता पसंद ना आए, मेरे को तो बहुत पसंद आया और मैं तो अब खाने जा रही हूँ। आप सब जल्दी से वीडियो को देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आप कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आपको ये नाश्ता कैसा लगा, और अगर पसंद आया तो एक बार इसे अपने घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आप प्याज नहीं खाते तो उसकी जगह कच्चा आलू भी डाला जा सकता है। देखिए अच्छे से चारों तरफ से सिक गया है, बहुत कम ऑयल में बना हुआ है। तो चलिए अब विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी कल नई रेसिपी में, लेकिन तब तक आप जाइएगा मत, पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा फिर जाइएगा। तो चलिए बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।